हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी ना मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर चाय बन गई है और मैं चाय निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं बाकी के। और अभी यहाँ पर देखिए बारिश ना डेली हो रही है, और बारिश जब होती है तो कितना अच्छा लगता है सच में। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, ठंडा ठंडा, पेड़ पौधे कितने साफ़ सुथरे, नहा धो लेते हैं पेड़ पौधे भी, और हर चीज़ मतलब अच्छा लगता है। तो अभी ना मौसम अच्छा हो गया था, बारिश खुल गई थी तो थोड़ा सा मैं बाहर आई थी, और फूल वूल ना यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और मैं गुलाब की भी देख रही थी, तो मैंने ना कटिंग कर दी है गुलाब की, और बहुत बड़ा हो गया था। बड़ा अभी भी है, बस ये है थोड़े थोड़े से जो है ना उसकी काट दी है मैंने कलम, ताकि और अच्छे से फूल जो है ना वो हुए। तो जब से मैंने काटा है ना तो फूल अब बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहे हैं एक एक करके, क्योंकि वो पहले गुच्छे में होते थे ना तो बेकार हो जाता था, इसलिए मैंने कट कर लिया है। और ऐसे मौसम में ना मेरा सिर इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों। बारिश होती है बहुत ज़्यादा ना, तो पता नहीं मौसम ठंडा हो जाता है तो मेरा सिर ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज ही नहीं, मुझे कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं ऐसे करके, डेली थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो रहा था। और मुझे बनाना था खाना, तो फिर मैंने सोचा अब मैं तो थोड़ा सा लेट गई थी चाय वाय पी के, और फिर उसके बाद अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, तबीयत ख़राब तो है, तो अब कितना भी कुछ कर लो हमको ना तबीयत ख़राब रहती भी है ना, तो थोड़ी बहुत ही मतलब ऐसा रहता है कि चलो लेट गए या आराम कर लिए, लेकिन फिर काम में लगना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए काम भी करना होता है। तो थोड़ा सा मैंने चाय पी के ना लेट गई थी, उसके बाद अब मैंने सोचा काम कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो अब सिर ही दुख रहा था तो सोचा चलो ऐसे करके बांध के और कर लेती हूँ। खाना बनाने का भी टाइम हो रहा था, कार्तिक भी आ जाता और इनके आने का भी टाइम हो रहा था, तो फिर यहाँ पर मैंने सिर बांध लिया है। इतना तड़क रहा था, और मैं दवाई नहीं लेती हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं मतलब बोलोगे कि दवाई के लिए, तो दवाई ना मैं मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं ना दवाई नहीं लेती हूँ, बहुत कम ही खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दवाई। खैर दवाई पसंद से तो कोई ना खा मतलब कोई नहीं खाता होगा, और भगवान ना करे कि किसी को ज़्यादा दवाई का ज़रूरत पड़ पाए। क्योंकि देखिए मैं बता रही हूँ, मैंने शुरू से ही ना दवाई मतलब बहुत कम ही, मतलब जब ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ जाती है तब जाके मैं दवाई वगैरह लेती हूँ, नहीं तो ऐसे छोटी मोटी ऐसे मतलब होती रहती है ना, तो उससे मैं दवाई नहीं लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना सिर तो बांध लिया था, मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा अभी, तो वैसे ही करके मैं अपना जो है ना देसी वाला वो करती रहती हूँ नुस्खे। तो ना अभी यहाँ पर मेरी जो स्पीड है ना वो बहुत जल्दी बढ़ गई थी, क्योंकि मैं सोते सोते मुझे टाइम का पता भी नहीं चला कितना टाइम हो गया। तो मैं जब किचन में आई ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जब देखा तो फिर मैं किचन में आई, तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से फटाफट से काम कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने गैस किचन जो है ना मॉर्निंग में सारा कुछ फैला हुआ था उसको समेट दिया है, सब कुछ अच्छे से काउंटर टॉप को गैस को साफ कर दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं आलू, थोड़े से मैंने आलू पकने के लिए चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर जितने बर्तन हैं वो धुले रखे थे तो वो भी मैंने देखे जमा दिए, और एक ये बर्तन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पता है मैंने काय में लिया है,
किस चीज़ में, ये बालों से लिया है मैंने। हमारे यहाँ ना ऐसे बाल जब पंगी करते हैं ना तो बाल निकलते हैं, झड़ते हैं, तो मैं उनको रखते जाती हूँ। सब लोग यहाँ पर लेते हैं तो फिर मैंने भी रख लिए थे। इतनी सुंदर एक मतलब है ना गंजी थी, चाय के लिए या सब्जी भी इसमें बना सकते हैं। और इसमें नीचे जो कोटिंग है ना उसकी लगी है, पता नहीं कॉपर है कि क्या, तो इसमें मुझे ना कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉपर में और उसमें। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इसका जो मतलब वो स्टील है ना अच्छा था, थोड़ा मोटा भी था और अच्छा था, बिल्कुल एकदम हल्की नहीं थी, अच्छी थी ये। और मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना तो फिर उन्होंने दे दी, काफ़ी सारे बाल थे इकट्ठे कर लिए थे मैंने, तो एक नया बर्तन ले लिया। और सबसे पहले मैं इसमें जो है चाय बना लूँ, चाय बनाऊँगी इसी में, फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। मतलब कोई भी नया बर्तन लो ना तो उसमें मीठा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आज ना थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को मेरी ठीक नहीं आ रही होगी, क्योंकि पता नहीं क्यों बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ना, तो बड़ी मुश्किल से, एक तो इसमें काफ़ी दिन भी हो गए थे, एक तो ब्लॉग नहीं आया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी से देखिए सारा काम कर लिया है, और अब झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज जब मैंने नया सा बर्तन लिया ना तो एक अलग ही खुशी थी, तो सारा दुख दर्द जो है ना मैं भूल गई फिर उसके आगे। कितनी छोटी सी चीज़ में सोचिए हम वेस्ट, मतलब वेस्ट में तो चली जाती है, पहले फेंक दिया करते थे, और बताओ आज मैंने, मतलब मैंने तो कितने सारे ले लिए हैं जब से पता चला है, और फिर आते हैं तो जब से आने लगे हैं तो फिर कितने बर्तन मैंने ले लिए हैं बालों से ही, और मेरे बाल तो झड़ते ही हैं। मैंने कितना उपाय किया, कुछ क्या क्या नहीं किया, लेकिन नहीं रुके, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो फिर मैं रखते जाती हूँ। तो ना एक अलग ही लेवल की खुशी थी, कितना सा बर्तन मैंने लिया और इतना सुंदर लग रहा था मुझे वो बर्तन के, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना, और आप लोगों के यहाँ भी आते हैं कि नहीं आते, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। कहीं कहीं तो होंगे ऐसे कि जो आप लोग भी ऐसी चीज़ों में बर्तन लेते होंगे, तो मुझे बताइएगा। और यहाँ पर मैं पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाई करते करते मैं यहीं लेट गई थी, तो लगभग मैंने ज़्यादा तो नहीं किया आज, क्योंकि सिर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने 2-2.5 घंटे निकाल ही लिए थे, क्योंकि फिर उसके बाद ना दिन में बहुत सारा समय जो है ना मेरा चला जाता है घर के कामों में, फिर कार्तिक भी स्कूल जाता है तो फिर वो भी आ जाएगा, तो उसका भी मतलब बहुत हो जाता है। तो लगभग फिर वही मैं जब उठती हूँ ना तो खाना बनाने के टाइम पे, तो जब तक वो स्कूल से नहीं आता 1-1.5 ऐसे बज ही जाते हैं, और खाना खाते खाते फिर वो टाइम हो ही जाता है, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं, हम लोग सब साथ में खाते हैं बैठ के मिल के। मैं कभी उनके बिना खाती भी नहीं हूँ, चाहे वो रात का खाना हो या सुबह का, साथ में ही खाते हैं हम लोग। तो कभी कभी कार्तिक को दे देती हूँ, क्योंकि देखिए वो तो बच्चा है, वो खा लेता है, लेकिन वो भी कभी कभी बहुत वेट करता है कि साथ में खाएंगे, ऐसे करता है। अधिकतर तो वो हम ही लोगों के साथ खाता है, तो ऐसे हो जाता है टाइम, तो इसीलिए मैं सुबह का टाइम जो है ना वो तो कवर कर ही लेती हूँ, और एक रात का टाइम, फिर दोपहर का तो यही है चला जाता है ऐसे ही, कुछ ना कुछ काम, और फिर नींद भी आती है बहुत ज़्यादा। अभी ना मैं बहुत कम टाइम ही दे पा रही हूँ कि पढ़ाई को, बहुत कम, मतलब उतना नहीं हो पा रहा, नहीं पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे देती थी, तो अभी पता नहीं, जब से स्कूल थोड़ा सा मतलब चालू हुई ना तब से थोड़ा सा जो है ना काम और बढ़ गए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम जो है ना बढ़ ही जाते हैं। हम सोचेंगे बाद में करते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे कि अब कर लेंगे, लेकिन वो काम ना फिर अटके ही पड़े रहते हैं, इसीलिए फिर करने ही पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर बस मैंने झाड़ू लगा दी है, और उसके बाद मैं आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी।
क्योंकि सबको सर्दी जुकाम यही सब हो रहा है। मुझे तो है ही, मुझे तो जुकाम बहुत ज़्यादा है, बना ही रहता है पता नहीं कैसे। तो कितना भी कुछ कर लो ठीक ही नहीं होता। जब मैंने दवाई खाई तो पिछले साल बहुत ज़्यादा खाई थी तो तब ठीक ही नहीं हुआ, असर नहीं हुआ ना, तो फिर वो बनी ही रहती है। और यहाँ पर थोड़े से बर्तन भी रखे थे सिंक में, चाय के थे, सुबह मॉर्निंग के थे, चाय के यही सब नाश्ते के, तो थोड़े से ही थे। तो मैंने सोचा यहीं पर धो लेती हूँ, बाहर नहीं ले जा रही हूँ तो यहीं पर धुल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जी जो है ना, मैं यहाँ पर ये मसाला थोड़ा सा भून रही थी, तो मैंने है ना ये आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सूखी सी सब्ज़ी। तो मैंने आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। मैंने शिमला मिर्च को ना तेल में फ्राई कर लिया था और ऐसे ही मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया था, और अब बस वो अच्छे से पक गए हैं बहुत अच्छे से, बस उनको मसाले में मिलाना है। तो मसाला को अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद ये सब्ज़ी मैं मिला दूँगी, तो हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और बस यही मैंने आज सब्ज़ी रोटी बनाई थी सिंपल सी। तो आई होप फ्रेंड्स आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।